एक और बड़ा फैसला इसी इजलास के दौरान हुआ और वो हुआ पनबिजली मंसूबे के हवाले से, क्योंकि इंतजामी काउंसिल में बैक टू बैक कुछ बड़े फैसले हुए, दो आपके सामने रखे, और तीसरा और बड़ा फैसला जो कि पनबिजली मंसूबों को लेकर हुआ, जिसको एक हरी झंडी मिली, 1750 कनाल 17 मरले जमीन की को लीज पर देने को मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और एक मंसूबा जो किश्तवाड़ के अंदर एनएचपीसी लिमिटेड और जेके एसपीडीसी का एक मुश्तरक मंसूबा है, एक कॉमन प्रोजेक्ट है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा था, तो उसके लिए भी जो जमीन दरकार थी वो इंतजामी ने देने का फैसला किया है। अजय शान भी हमारे साथ हैं, इंतजामी काउंसिल के फैसले पर बात हो रही है और इस सिलसिले में आप सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस खत्ते पर सबसे ज्यादा नजर इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली कहीं कम या ज्यादा हो तो इसी खत्ते पर बात होती है। किश्तवाड़ की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, किश्तवाड़ के उस जहां पर ये मंसूबा चल रहा है, काम ऑलरेडी हाथ में लिया गया है और यूनियन टेरिटरी के इस इलाके के अंदर किश्तवाड़ में जहां पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, विलेज गल्हाड़ भाटा तहसील नागसैनी किश्तवाड़ में जो कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और ये तस्वीरें जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी जिस पर काम चल रहा है रूल 13 की सेक्शन 2 के तहत और रूल 16 जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स रूल्स 2022 के तहत नई सनती पॉलिसी को भी आगे बढ़ाते हुए जो पहले आपको बताए फैसले हुए और दूसरा फैसला इस प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन दरकार थी उसके मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, अजय शान के पास सीधा चलेंगे। अजय, और डिटेल्स, और ये जो जमीन दी गई है 1750 कनाल 17 मरले लीज पर देने का फैसला किया गया है, इस पर क्या मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या काम होगा? हाँ आसिफ, देखिए ये जो CVPPL है ये चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है जिसमें NHPC और JKPDCL बड़े हिस्सेदार हैं। इनके पास तीन प्रोजेक्ट्स हैं चिनाब पर, कीरो हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्वाड हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पक्कल डूल हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो इसके लिए भारी मात्रा में जो लैंड है वो एक्वायर की गई थी। ये जो गल्हाड़ एरिया में लैंड एक्वायर की गई 1750 कनाल, ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए की गई है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जनरेशन जो है बिजली की वहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो हमें बताया जा रहा है कि ये जो लीज पर 40 साल के लिए लैंड दी गई है, कहीं ना कहीं इसमें इनको मॉर्गेज राइट्स दिए गए हैं जिसके तहत वो आगे से कहीं ना कहीं अपना फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। तो एक बड़ा कदम बताया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के काम में आड़े आ रहा था, तो उसको अरेंज करने के लिए उनको एसेट्स मॉर्गेज करने थे, तो इस जमीन का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी इसमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल उस चीज के लिए किया जा सकता है जिससे प्रोजेक्ट का जो काम है तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये जो जमीन दी गई है इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब हुआ कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जिस पर अभी तक एक सवाल था, कभी कहा जा रहा था पानी कम है, कभी कहा जा रहा था इस साल सालाना बिजली कम पैदा हुई है, तो क्या उस तफावत को दूर करने में मौका मिल सकता है इन फ्यूचर अगर इस तरीके से काम प्रॉपरली होता है इस पर जो आज जिस मकसद से जमीन ली गई? जी बिल्कुल, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक नई बात नहीं है, पहले से ऐसा होता रहा है कि जो जमीन एक्वायर की जाती है उसके अगेंस्ट फाइनेंस लिया जाता है ताकि जो कई फाइनेंस की कमी आती है उसमें उसको पूरा किया जा सके। तो क्यों ये जो तीन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं बड़ी एडवांस स्टेज में इनका काम चल रहा है, तो जो फाइनेंस मिलेगा उससे के खासकर जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसमें तेजी आएगी और जो बिजली का जैसे मैंने कहा कि कमीशन प्रोजेक्ट जल्दी होगा, जनरेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, उससे रियासत या दूसरे इलाकों में जो बिजली की किल्लत है उससे कहीं ना कहीं निजात जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान डिटेल्स देने के लिए। ये वो मंसूबा है जिस पर इसलिए भी सबकी नजरें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर बिजली कहीं पर कम या ज्यादा होती है तो बहुत फर्क महसूस किया जाता है और इस बड़े प्रोजेक्ट पर या इस खत्ते पर नजर आती है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है 40 साल तक जो जमीन है CVPPL को दी गई है, इंतजामी सेक्रेटरी जो है उनकी तरफ से भी इसमें पेशरफ्त होनी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी PDD पर होगी, जो महकमा बिजली है उसने जो ये लीज एग्रीमेंट है उसको आगे बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बिहाफ पर PDD इस ये जो एग्रीमेंट है वो साइन करेगा और प्रोजेक्ट जिस पर तकरीबन सरकार 4288 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर इससे सरकार के आदादोशुमार को अगर सही माना जाए तो 2,272.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो सालाना बिजली बढ़ेगी, इजाफा होगा, इस मकसद से काम आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि चीज़ें दुरुस्त होंगी वक्त गुजरने के साथ साथ, जो बिजली की कमी है या जो एक फ़र्क रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप, उसको दूर करने में इस बड़े फैसले के बाद
हो सकता है कि 2 या 3-4 साल जितने भी लगे उसके बाद उस तफावत को कम से कम दूर किया जा सकता है जो परेशानी का सबब इस वक्त है। वक्त छोटे से